हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक मॉडल है सैमसंग का J1। देख सकते हैं इसमें FRP लॉक है, वेरिफिकेशन अकाउंट मांग रहा है। तो दोस्तों चलिए इसका एक बार इसका मॉडल नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ओके, हमने पीछे से बैटरी रिमूव कर दी है। आपको मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए मॉडल नंबर, फोकस करवाए यहाँ, देखिए 120G। ओके दोस्तों, जिसके FRP अनलॉक करना है सिंपल है दोस्तों, एक क्लिक में हो जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो तुरंत देख पाएं। दोस्तों तो हमें FRP अनलॉक करने के लिए फ़ोन को सबसे पहले डाउनलोड मोड पर लेके जाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डाउन का बटन, होम बटन, पावर बटन तीनों के साथ प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का आपके मोबाइल पर आएगा और उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ यानी वॉल्यूम का प्लस बटन दबाना है। ये देखिए दोस्तों हमारा डाउनलोड मोड आ गया है और ये देखिए मॉडल नंबर J120। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग ओडिन ओपन करते हैं। दोस्तों आपको डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हर एक फाइल की। ओके दोस्तों, हम ओडिन ओपन करेंगे, उसके बाद AP पे क्लिक करेंगे। AP पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें अपना वो लोकेशन चूज करना है जहाँ पर हमने FRP का फाइल रखा है। ओके दोस्तों, तो मैं फ़िलहाल उसे चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसमें हमारा लोकल डिस्क ई में है। उसके बाद PC सॉफ्टवेयर में जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे दोस्तों जहाँ पे आपने लोकेशन अपना डाला होगा वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों मैंने तो अपना कर रहा, देखिए यहाँ पे फाइल उसका FRP 2017, ठीक है दोस्तों। एक्सोनस का CPU इसमें आता है। तो उसके बाद यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके ओके करेंगे दोस्तों। फिर यहाँ से केबल को डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ ODIN मैसेज हो जाएगा कि ऐड हो गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से केबल लगा दिया। चलिए ODIN में हुआ देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड और कॉम ID भी आ गई है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ से सिंपल कुछ करना नहीं, बस यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट देंगे। ये देखिए दोस्तों ज़्यादा टाइम लगे, मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड लगा हो गया। देखिए हमारा फ़ोन रिबूट हो गया है। चलिए एक बार इस पर देखते हैं, इधर लिखा है पासिस यानी हो गया सक्सेसफुल। ओके दोस्तों, तो फ़ोन हमारा चालू हो रहा है। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, चालू हो जाने देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे वीडियो के लिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। मोबाइल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए केबल को रिमूव करने के बाद एक बार देख लेते हैं सेट हमारा सक्सेसफुल अनलॉक हुआ या नहीं हुआ है दोस्तों। वैसे दोस्तों हाथ से भी हो जाता है, लेकिन हाथ से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे कंप्यूटर से सिंपल है दोस्तों, बस 1 सेकंड में हो जाता है, ओनली 1 क्लिक दोस्तों। तो ओके दोस्तों, हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों FRP होने के बाद, तो उस पर टेंशन मत लीजिए, आप फ़ोन को बंद मत कीजिए, थोड़ा वेट करिए। तो दोस्तों ये हमारा हो रहा है। तो उससे पहले दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आपकी वीडियो अच्छा लगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारे सेट ऑन होने वाला है। ये देखिए वाइब्रेट होता है, हल्का लाइट धीमी हो जाती है, यानी कि अब ऑन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमारा ओपन हो गया। देखिए दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए थैंक यू।